पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया, आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने की फिर टिकट क्यों दी आपने। बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था मजबूरी मिला, क्यों दी आपने। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने इंटेलिजेंट हैं। वे सब जानते हैं कि आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार राज्यसभा में शपथ हो रही थी, नहीं लोग हमारे बगल में लालू जी बैठे थे, उनका एक कैंडिडेट आया शपथ लेने। मैंने कहा लालू जी कल ये पूरा प्लास्टर बांधे हुए था, कह रहा था झारखंड में गए थे लालू जी की जमानत के वक्त तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया, आज ये सही चल रहा है। बोले राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था। तो मैंने की फिर टिकट क्यों दी आपने। बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था मजबूरी मिलाना पड़ा, मैं जानता हूँ बहुत फ्रॉड था। तो सब जानते हैं मोदी जी कौन क्या है। कई बार ऐसी बातें मत किया करो आप लोग, को स्वयं आपके नेता को लगे कि ये ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है। कई बार कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, कौन नहीं जानता है, और जितना उनके लिए कहना चाहिए उतना कह भी नहीं पाते आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि बहस को बहस तक ही रखिएगा। कई बार कुछ लोग अपने नेता का अनावश्यक नाम लेके उसको विवाद में ला जाते, उसका आलोचना का उसकी कहीं आलोचना ही होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी बात कहेंगे कि लोग अनावश्यक उसके फिर जवाब देने लगेंगे। तो जो समझदार लोग हैं अपने नेता पर कभी आँच नहीं आने देते हैं। लेकिन आपके साथ मैं बीजेपी की लीडरशिप से कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हुए हैं, ठीक लोगों को बोलने के लिए मौका दिया कीजिए हमेशा। मैं राय देना चाहता हूँ, उम्र में भी बड़ा हूँ, अनुभव में भी आप लोगों से बहुत बड़ा हूँ। मैं कभी राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ जब मैं बोलता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि लीडर के अगर पक्ष में हो तो कभी अपने बातों से अपने कर्म से उसके ऊपर लांछन मत लगने देना। और यहाँ लोग इसी तरह की बात करने लगते हैं। बहस का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया शुरू में था,